हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स। और मैं हूँ प्रेरणा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समर एसेंशियल्स। यस फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आपको इन समर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। आई नो कि मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, बट काफ़ी दिनों से आप लोगों की बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यू नो यू वॉन्टेड टू नो कि मैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में समर्स में। और मैंने सोचा कि चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके साथ में शेयर कर देते हैं, बिकॉज अभी तो समर्स चल ही रहे हैं। तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आपको भी पता लग जाएगा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। एंड बिलीव मी गाइज, ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको शो करूँगी बहुत ही अच्छे हैं, मैं अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। और आपको भी अगर हेल्प मिलेगी इस वीडियो से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप प्लीज़ हिट लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आई विल शो यू ऑल द प्रोडक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू शो यू फेस वॉश। तो इन गर्मियों में मैं यूज़ करती हूँ ये फेस वॉश। तो ये है लैक्मे ब्लश एंड ग्लो का फेस वॉश, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीच एक्सट्रैक्ट्स के साथ में आता है। हालांकि इसमें जो है तीन एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा एक स्ट्रॉबेरी भी आता है, वो रेड कलर में होता है, एंड एक अभी लेमन एक्सट्रैक्ट भी आया है जो कि येलो कलर में है। बट मुझे जो है ये पीच एक्सट्रैक्ट वाला बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूट भी करता है। जैसे कि आपको पता है कि मेरी ड्राई स्किन है, तो अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप इस फेस वॉश को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, और इसकी जो स्मेल है इट इज़ टू डाई फॉर, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। तो मैं इस वाले प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। मैं साथ ही साथ आपके प्राइजेस भी बताती जा रही हूँ। तो ये आता है 175 रुपीज़ का, तो आप इसको बिल्कुल ही परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट फेस वॉश। तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्क्रब का। तो फेस वॉश के बाद हमें चाहिए एक बहुत ही अच्छा सा स्क्रब जो हमारे फेस की जो भी डर्ट और यू नो डार्क पैचेस है उसको मिटा सके। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फेस स्क्रब। तो ये है न्यूट्रीजीना का डीप क्लीन ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब फेस स्क्रब। और अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं तो भी ये जो है स्क्रब बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपको। और अगर ब्लैक हेड्स भी नहीं है तभी भी आप इस फेस वॉश को फेस स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है जेल बेस्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ड्राई स्किन पीपल के लिए, और आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये केवल 129 रुपीज़ का है। तो आप इसको बिल्कुल ही परचेज़ करके ला सकते हैं। न्यूट्रीजीना कंपनी इज़ अ वेरी रिनोन कंपनी, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, चलिए देख लेते हैं कि इसके बाद मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फेस स्क्रब करने के बाद बात आती है अपने फेस को एक रिजुविनेट करने की। तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ रोज़ वाटर। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वाला रोज़ वाटर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर है, और ये बहुत ही अच्छा है, इंस्टेंटली आपको एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है अगर आप फेस वॉश करने के बाद या स्क्रब करने के बाद में इसको यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और ये आपको मिल जाएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं इसको नेट के थ्रू, और इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो फिर रोज़ वाटर लगाने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र। तो जैसे कि आपको पता है मैं निविया सॉफ्ट यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर है मेरे पास निविया सॉफ्ट। तो अगर आप निविया सॉफ्ट को यूज़ करना चाहते तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का एलोवेरा, जो यू नो सौंदर्य का जो आता है, तो मेरे पास है ये वाला पतंजलि एलोवेरा केसर चंदन। तो मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ आफ्टर रोज़ वाटर। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है समर्स के लिए। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं मेरे मॉइस्चराइजेशन के लिए। चलिए देख लेते हैं कि मैं डेली क्रीम कौन सी यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, डेली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ ये वाली। तो ये है गार्नियर की डेली क्रीम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है लाइट कम्प्लीट गार्नियर की क्रीम, और इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप बिल्कुल ही चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन लोशन की। तो मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ पतंजलि का सनस्क्रीन लोशन, और इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ये आता है केवल 100 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा एक सनस्क्रीन लोशन है। अगर आप एक यू नो अफोर्डेबल एक कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो ये आप इसको बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी स्किन को यू नो फ्रेशन अप करना है और टोन अप रखना है, तो हमें एक चाहिए रहता है टोनर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है समर्स में, बिकॉज जो हमारे जो यू नो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं स्वेट वगैरह से। तो उसको ओपन अप करने के लिए हमें एक टोनर की बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ ये मात्रा कंपनी का टोनर। तो ये बहुत ही अच्छा एक टोनर है, और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ कितने रुपीज़ का है। तो ये 325 रुपीज़ का है टोनर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक टोनर है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट
बट इट इज़ अ वेरी गुड टोनर. लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है एक टोनर पे, तो आप हिमालय का भी टोनर ला सकते हैं. वो केवल और केवल 80 रुपीज़ का है, तो आप उसको मार्केट से परचेज कर लीजिए और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर टोनर के बाद में हम बात करते हैं यू नो बॉडी मिस्ट की या फिर कुछ डिओड्रेंट्स की, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये ईवा फ्रेश का डिओड्रेंट. अगर मुझे स्प्रे कुछ चाहिए रहता है यू नो, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. इसकी स्प्रे काफ़ी अच्छी है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है. अदरवाइज़ अगर मुझे एक सेटल कुछ प्रोडक्ट चाहिए रहता है, तो मैं ये वाला निविया का यूज़ करती हूँ रोल ऑन. जैसे कि आपको पता है दिस इज़ माई फेवरेट वन, और आप इसको बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं. ईवा वाले का प्राइस है 130 रुपीज़ और इसका प्राइस है 185 रुपीज़, तो आप इसको भी ला सकते हैं. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमारी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसकी केयर करने के लिए फेस पैक वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है आपके लिए. अगर आपके कुछ पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. हिमालय का जो हमारा प्योरीफाइंग नीम फेस पैक आता है, इसको ये काफ़ी अच्छा रहता है. इसका प्राइस है 130 रुपीज़. इसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक. एंड अगर आप यू नो आपकी थोड़ी सी ऑयली स्किन है, तो आप इस वाले को यूज़ कर सकते हैं, नीम एलोवेरा विद ककम्बर. ये पतंजलि की ब्रांड का है और इसका प्राइस है केवल 60 रुपीज़. इसका भी रिव्यू आने वाला है मेरे चैनल पे, तो आप बने रहिए. मैं जल्दी इस चैनल इस वाले प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ. एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, अगर आप अपने फेस पे से कुछ पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं. उसका भी रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बिल्कुल चेक कर लीजिए. तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमारी बात आ जाती है नाइट क्रीम की. तो पूरे दिन भर की थकान उतारने के लिए एक हमारी नाइट क्रीम ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करती है. नाइट में अगर हम उसको लगा के सोते हैं, तो ओवरऑल नाइट वो कुछ ना कुछ वर्क करती रहती है हमारी स्किन पे, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं. नाइट क्रीम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर स्किन रूटीन. तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ या तो वाओ के नाइट क्रीम है, मैंने उसका भी रिव्यू कर चुका है अपने चैनल पर, या फिर मैं उसको इस वाले वाओ एलोवेरा जेल को यूज़ करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, मैं इसका थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेती हूँ और अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ और अच्छे से मसाज करती हूँ, देन आई गो टू स्लीप. ये बहुत ही अच्छा एक नाइट क्रीम का ऑप्शन है. अगर आपकी आप कोई एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं किसी क्रीम में, तो आप ये बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं एज अ नाइट क्रीम. ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल ही यूज़ करती हूँ. तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैं अपने समर्स रूटीन में यूज़ करती हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट लाइक टू दिस वीडियो और प्लीज़ शेयर करना ना भूले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके, वो भी कुछ परचेज कर सके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को. तो मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय गाइस.